गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे कल अपन ने चर्चा की प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेटिग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी में हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और अभी तक का जो समय है उस समय को दूसरे देशों के जो संस्तर है, जो स्ट्राटा है, उनके साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो पृथ्वी के निर्माण से लेके और अभी तक का जो समय है उस समय को यदि हम एक टाइम स्केल में व्यक्त करना चाहें तो इस प्रकार से ये जो एक सारणीबद्ध जियोलॉजिकल टाइम स्केल है हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में उत्पत्ति से लेकर अब तक की पृथ्वी की तमाम भूगर्भीय संरचनाओं एवं घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के इतिहास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन है वो यूरोप में किया गया था और एक मानक समय सारणी यूरोपियंस ने दी, जिसको करीब करीब विश्व के सभी देशों ने उसको स्वीकार किया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आरसी मेहंदीरत्ता ने ठीक ही कहा था, द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ यूरोप वेयर एफर्ट्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ अनकन्फर्मिटीज एंड फॉसिल कंटेंट्स वर द फर्स्ट मेड has been classified according to this scheme. The classification is so widely applicable that it has been used as a scale more or less for the whole world and is therefore termed the standard stratigraphic scale. तो ये जो standard stratigraphic scale या geological time scale है, इसको वैज्ञानिकों ने यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने अलग अलग इराज में यानी महाकल्पों में बांट के और फिर इसका अध्ययन किया। तो उन्होंने 6 महाकल्प बताए जिनके नाम है नियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, एजोइक या आर्कियन एंड। तो इस प्रकार से ये 6 एरा या महाकल्प है। इन 6 एरास को फिर अलग अलग एपोक यानी कल्पों में और फिर इन कल्पों को अलग अलग युगों में अर्थात पीरियड में बांटकर और फिर इसका अध्ययन किया गया। और इस पूरे क्लासिफिकेशन को उन्होंने समयबद्ध किया कि जो एक महाकल्प है वो लगभग कितने वर्षों तक उसकी अवधि रही और कितने वर्ष पूर्व वो प्रारंभ हुआ और उस पीरियड में उस टाइम में किस प्रकार के फॉसिल असेंबलेजेस या जीवाश्म, चाहे वो वनस्पति के जीवाश्म हो चाहे वो प्राणियों के जीवाश्म हो, वो किस किस प्रकार के हमें हर पीरियड्स में मिले। तो सबसे पहला जो महाकल्प है एरा, उसका नाम है नियोजोइक और इसका जो कल्प है उसका नाम है क्वाटरनरी। और
इसका जो युग है, जो पीरियड है, ये दो भागों में है, दो है इसके होलोसीन, यानी हम इसको पोस्ट ग्लेशियल भी कहते हैं, यानी कि ग्लेशियर के बाद, और दूसरा है प्लिस्टोसीन। इसी प्रकार से दूसरा महाकल्प है सीनोजोइक और इसका कल्प है टर्शियरी, और ये चार भागों में डिवाइड होकर, यानी कि चार युगों में डिवाइड है, प्लियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लियोसीन। इसी प्रकार से मीसोजोइक महाकल्प, जिसका कल्प, जिसको हम सेकेंडरी कल्प कहते हैं, ये सेकेंडरी इपॉक कहते हैं, ये तीन युगों में विभक्त है, ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। इसी प्रकार से अगला महाकल्प है वो है पैलियोजोइक, और इसका जो कल्प है वो है प्राइमरी, और ये सबसे बड़ा युग है जो छह भागों में विभक्त है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। इसके बाद प्री पैलियोजोइक महाकल्प है जिसका युग है प्री कैम्ब्रियन, और सबसे अंत में है आर्कियन या एजोइक, उसको बोलते हैं, उसका युग है आर्कियन। फिर इसका इसकी अवधि है कि कौन सा युग कितने वर्षों तक रहा। जैसे क्वार्टरनरी की हम बात करें तो होलोसीन है ड्यूरेशन, यानी अभी चल रहा है जो टाइम पीरियड वो है ये, और कितने वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ, इसका जो टाइम ईयर है वो है 10,000 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से प्लिस्टोसीन है, वो उसकी अवधि 10,00,000 वर्ष रही और 10,00,000 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ। उसी तरह से प्लायोसीन 1,00,000,000 वर्ष पहले, 1,00,000,000 वर्ष इसकी अवधि है और इसका प्रारंभ भी 1,00,000,000 वर्ष पूर्व हुआ। उसी तरह से मायोसीन 1,50,000,000 वर्ष तक इसकी अवधि हुई और ये लगभग 2,50,000 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से ये इस सभी युगों की, सभी महाकल्पों की, सभी कल्पों का समय निर्धारित किया गया, और ये जो समय निर्धारित किया गया ये वहां या उस पीरियड में मिलने वाले जो फॉसिल असेंबलेजेस हैं या जीवों और प्राणियों के जो अवशेष हैं उस आधार पर ये इनका समय निर्धारण किया गया। इस प्रकार जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की या स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं समय की, तो हम प्रारंभ नीचे से प्रारंभ करते हैं किसी भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो टेबुलर क्लासिफिकेशन है, जैसे ये टेबुलर क्लासिफिकेशन है, तो उसके टेबुलर क्लासिफिकेशन का अध्ययन जो है वो हम नीचे से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला महाकल्प आर्कियन, तो आर्कियन जो है वो महाकल्प है जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, यानी लाइफलेस थी अर्थ उस समय का है। तो ये जो एजोइक पीरियड है वो पृथ्वी के इतिहास का प्रारंभिक महाकल्प है, और ये लगभग 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और इसकी जो अवधि रही, इसका जो पीरियड रहा वो 3,000 वर्ष पहले रहा, और ये वो टाइम पीरियड है जब जीवन नहीं था, यानी लाइफलेस, पृथ्वी जीवन विहीन थी, और इस समय या इससे पहले पृथ्वी जो है वो आग के गोले के समान थी। उसी प्रकार से जब हम इससे ऊपर आएंगे वो है प्री पैलियोजोइक, या जिसको हम प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग 1500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और इसकी जो एज है वो लगभग 1000 मिलियन वर्ष है। इस काल में पृथ्वी जो है वो गैसेस फॉर्म में थी और वो तरल अवस्था में आ रही थी और आकर के और
लोगों ने ठोस हो रही थी और ऐसा होने से सघन एक वायुमंडल का निर्माण हुआ और पृथ्वी के सिकुड़ने एवं ठंडे होने से जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में चेंज हुए, परिवर्तित हुए, जिससे क्या है कि समुद्रों और नदियों का निर्माण हुआ। यानी ये जो हमारा प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है, इस प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में ही जो सी है या रिवर है उनका प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ और जो सॉफ्ट बॉडी के जो एनिमल्स थे उनके अवशेष मिल सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से पूर्णतया प्रमाणित नहीं है कि इस प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हमको कोई फॉसिल्स मिलते हैं क्या। तो जो जब नदियों और सागरों का निर्माण हुआ यानी कि गर्म जलवायु के बाद, फिर धीरे धीरे हिमयुग यानी आइस एज प्रारंभ हुआ। वनस्पतियों के रूप में मात्र जो समुद्रों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, घास हैं, वो थोड़े बहुत मिलने प्रारंभ हुए थे। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारा टाइम पीरियड आता है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक महाकल्प का, जिसका कि कल्प है प्राइमरी और इसके छह पार्ट हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन, और इन सबका टाइम पीरियड भी है। जैसे कैम्ब्रियन जो है 10 करोड़ वर्ष तक ये टाइम पीरियड रहा था इस अर्थ पे, पृथ्वी पे, और आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था ये टाइम पीरियड। तो लगभग 50 करोड़ वर्ष तक जो है ये रहा, और इस टाइम पीरियड में जो है जो फॉसिल असेंबलीज की यदि हम बात करें तो ट्राइलोबाइट्स वगैरह और फोरामिनिफेरा जो है वो इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा हमें दिखाई दिए। और ये जो पैलियोलिथिक शब्द है इसका मतलब है एंसियंट एवं एंसियंट, पैलियोस दो वर्डों से मिलकर बना है ये, पैलियोस एंड लाइफ, यानी पैलियोस यानी तो एंसियंट है ना, और लाइफ यानी जू। तो इस युग की जो चट्टाने हैं वो प्राचीनतम जीवों के अवशेष पाए जाते हैं इस टाइम पीरियड में, इसको हम प्राइमरी पीरियड भी कहते हैं। ये जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं ये छह पीरियड्स में डिवाइडेड है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। तो जो कैम्ब्रियन पीरियड है, कैम्ब्रियन शब्द की उत्पत्ति वेल्स जो जगह है उसके कैम्ब्रियन नामक स्थान से हुई है, और ये 60 करोड़ वर्ष पहले था और इसकी अवधि जो है वो लगभग 10 करोड़ वर्ष की है। इसमें जो फर्स्ट प्लांट्स जो है वो इसी पैलियोजोइक पीरियड में, यानी पैलियोजोइक पीरियड के जो का जो सिल्यूरियन पीरियड है उसमें फर्स्ट प्लांट्स जो है वो पाए गए, और कुछ लगभग 1000 प्रजातियां जो है वो लगभग इनकी बननी शुरू हो गई थी। उसी तरह से जो ऑर्डोविशियन पीरियड है, ऑर्डोविशियन पीरियड वो उसकी अवधि भी 10 करोड़ वर्ष थी और ये लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले ये मतलब प्रारंभ हुई थी। और इसमें फॉसिल असेंबलीज की बात करें हम तो फोरामिनिफेरा और जो कोरल्स हैं वो उनका प्रादुर्भाव हुआ। इसी तरह से सिल्यूरियन पीरियड में जैसा कि अभी अपन ने कहा कि जो फर्स्ट प्लांट्स है वो सिल्यूरियन पीरियड में, जो फर्स्ट प्लांट है वे सिल्यूरियन पीरियड में हमको मिलने प्रारंभ हुए। इसी प्रकार से जो डेवोनियन टाइम पीरियड है तो इसका आरंभ भी 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और इसकी आयु लगभग 5 करोड़ वर्ष के आसपास जो है, इसकी आयु लगभग 5 करोड़ वर्ष अवधि जो है इसकी वो मान रहे हैं, और लगभग इस टाइम पीरियड में जो प्लांट्स हैं वो फ्लोरिश होने मतलब शुरू हो गए थे, बढ़ने लग गए थे, कई सारी प्रजातियां प्लांट्स की और मिलने लगी थी।
कुछ समुद्री रीढ़धार जंतुओं का फैलाव भी हुआ इस पीरियड में जो आगे चल के बढ़ता गया। उसी प्रकार से जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, कार्बोनिफेरस पीरियड लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो अवधि है वो लगभग 8 करोड़ वर्ष की रही है। इसी प्रकार से जो परमियन पीरियड है, ये रूस के पर्म नामक स्थान पर इसका नाम पड़ा है और लगभग 27 करोड़ वर्ष पहले ये प्रारंभ हुई और इसकी अवधि लगभग 4,50,000 वर्ष है। जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुपात बढ़ता गया है यहाँ, और जलवायु के मौसमी परिवर्तनों के बढ़ने से सदाबहार वृक्षों के अनुपात में कमी आती गई धीरे धीरे, और सागरीय जीवों की अपेक्षा जो थल के जीव हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती गई। इसी प्रकार जो मीसोजोइक पीरियड है, हमारा मीसोजोइक पीरियड, इसको महाकल्प, इसको हम सेकेंडरी कल्प भी कहते हैं, और ये 3 युगों में विभक्त है, क्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, 3 पार्ट हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, आपने जुरासिक का नाम जरूर सुना होगा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क। ऐसे ये ऐसा एक टाइम पीरियड था जिसमें डायनासोर्स, बड़े विशालकाय डायनासोर्स जो है उनकी बहुतायत थी और वे बहुत बड़े बड़े क्रेचर प्राणी हुआ करते थे। तो वो आपका ये मीसोजोइक महाकल्प ये था जिसमें डायनासोर जीते थे। ये ट्राइसिक, जुरासिक और ये क्रिटेशियस, 3 इसके पार्ट हैं। तो इसमें जैसे आपका ट्राइसिक पीरियड है, इसका नामकरण जर्मनी के त्रिस्तरीय वर्गीकरण पर आधारित है और ये लगभग 22,50,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और इसका जो ड्यूरेशन है, इसकी कुल अवधि है वो 4,50,000 वर्ष है। और ये जो पीरियड था, शुष्क जलवायु का विस्तार था इस समय, और बाद में जो है वो आर्द्र जलवायु शुरू हुई और सागरों में जो मांसाहारी जीव है वो मिलने प्रारंभ हुए। और इन्हीं पीरियड में जो है वो वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए, जो कशेरुक प्राणी है उनका प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ और फर्स्ट बर्ड, पहले जो पक्षी है, जो फर्स्ट बर्ड है, पहले पक्षी भी उनको इसी टाइम पीरियड में मिले। और रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स है, जैसे रेन कर चलने वाले जो जीव है, प्राणी है, वो भी इसी टाइम पीरियड में, आपके मीसोजोइक टाइम पीरियड में मिलने प्रारंभ हुए थे। उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया जुरैसिक टाइम पीरियड, तो ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था और इसकी जो अवधि है वो 4.5 करोड़ वर्ष तक है। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि बड़े बड़े डायनासोर्स जो है वो इस टाइम पीरियड में थे। और फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पहले जो फ्लावर प्लांट्स हैं, पुष्पीय पादप, उन सब का प्रादुर्भाव भी होना शुरू हुआ। और ट्राइलोबाइट्स, जो ट्राइलोबाइट्स हैं वो जो है लगभग ये पीरियड आते आते ये ट्राइलोबाइट्स यहां खत्म हो गए थे, है ना, एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए थे ट्राइलोबाइट्स। इसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड है वो 4 भागों में विभक्त है, यूसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लायोसिन, और इसका जो महाकल्प है वो है सीनोजोइक। तो ये जो सीनोजोइक टाइम पीरियड है इसको हम टर्शियरी या तृतीयक कल्प भी हम इसको बोलते हैं। अब जैसे ईओसीन, इसकी जो अवधि है वो 3 करोड़ वर्ष तक रही, यानी कि ये टाइम पीरियड जो है लगभग 3 करोड़ वर्ष का था और प्रारंभ कब हुआ, 7 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। उसी तरह से ओलिगोसिन, 1.5 करोड़ वर्ष इसकी अवधि रही और लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ। और जो मियोसिन है वो 1.5 करोड़ वर्ष इसकी अवधि हुई और 2.5 करोड़ वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ। और प्लायोसिन 1 करोड़ वर्ष इसकी अवधि रही और 1 करोड़ वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ। तो इस टाइम पीरियड में ये जो हमारा सीनोजोइक एरा है
इसमें एबंडेंट ऑफ मेंबर्स जो स्तनपाई प्राणी है उनकी अधिकता थी, कुछ मोलस्का थे, ऑर्थोपोडा और जो फ्लावरिंग प्लांट जो पुष्पीय पादप है वो बहुत अधिक मात्रा में यहां फ्लोरिश होने शुरू हो गए थे और कुछ ब्रैकियोपोड्स जो ब्रैकियोपोडा है वो भी कुछ यहां ओरिजिनेट होने शुरू हुए। और हमारा जो सबसे आधुनिक अभी का जो महाकल्प है एरा है उसको हम मीनोज़ोइक बोलते हैं या इसका जो कल्प है वो क्वार्टनरी के नाम से जाना जाता है और इसके दो युग हैं, दो पीरियड हैं, एक होलोसीन और एक प्लीस्टोसीन। तो होलोसीन जो है वो अभी का है वर्तमान, इसको आप रिसेंट कहते हैं, अभी तो चल रहा है, अभी जो भी प्लांट या जो भी एनिमल्स हैं और लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 लाख वर्ष पहले का है। और मैमल्स जो है यहाँ आते आते जो फ्लोरिश हो रहे थे सीनोजोइक पीरियड्स में वो यहाँ आके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं क्योंकि ग्लेशियल पीरियड जो युग है ये ग्लेशियल पीरियड की वजह से यहाँ खत्म हुआ। और जो होलोसीन है या पोस्ट ग्लेशियल वो ये ह्यूमन बींग्स आज के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इस टाइम पीरियड में पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जिसको कि हम स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से भी जानते हैं जो हमें लाइफलेस यानी जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था तब से लेके और अभी इस समय तक जहां हम जबकि ह्यूमन बीइंग्स हैं वहां तक के टाइम पीरियड्स को हमने 6 महाकल्पों में विभक्त करके और फिर इसको एक सारणीबद्ध रूप दिया है जो टाइम पर आधारित है, समय पर आधारित है। तो ये स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल का आज का अपना जो टॉपिक है वो खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।